नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। और किस प्रकार से रूस ने खुद बताया है कि यूक्रेन की तरफ से हुई गोलाबारी में रूस की सेना की एक पोस्ट हो चुकी है तबाह। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरे मसले के बारे में। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन विवाद से बिल्कुल ब्रेकिंग खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि रूस की जो समाचार एजेंसियां हैं उन्होंने खुद यह दावा कर दिया है कि रूस की जो एयर फोर्स थी उसकी एक पोस्ट तबाह हो चुकी है और इस पूरे काम को अंजाम दिया है यूक्रेन की सेना ने। और दोस्तों, अब रूस का कहर यूक्रेन के ऊपर टूटना तय है, क्योंकि रूस सिर्फ एक मौका चाहता था कि कब यूक्रेन एक गलती करे और रूस जाकर यूक्रेन के ऊपर चढ़ जाए। और दोस्तों, रूस को अब वह मौका मिल चुका है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 2 से 3 दिनों के बीच में रूस और यूक्रेन की सीमा पर भीषण गोलाबारी हो रही है, और यूक्रेन रूस से नहीं लड़ रहा बल्कि यूक्रेन लड़ रहा है रूस समर्थित विद्रोहियों से, जो कि रूस के समर्थन के चलते यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला कर रहे हैं। और दोनों ही ओर से भीषण गोलाबारी चल ही रही थी कि सोमवार को रूस की तरफ से ऐसा बयान निकल के सामने आया है कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर एक रोस्तेव नाम का इलाका पड़ता है, और यहाँ पर यूक्रेन की सीमा से महज 150 मीटर की दूरी पर रूस की सेना की एक फ्रंटियर पोस्ट थी, जहाँ पर आकर यूक्रेनी सेना का एक गोला गिरता है और यह पोस्ट तबाह हो जाती है। और दोस्तों, यह जो पूरी घटना है वो रूस के मुताबिक 21 फरवरी 2022 को सुबह करीब 9:50 पर हुई, जहां पर रूस की फ्रंटियर फोर्स की एक जो पोस्ट है वो तबाह हो चुकी है। और इसके पश्चात जो रूसी सेना है वो यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए केवल आदेश का इंतजार कर रही है, और रूस के टैंक सीधे यूक्रेन के अंदर घुस जाएंगे। फिलहाल में दोस्तों, अमेरिका और जो पश्चिमी देश है वो ऐसा मान रहे हैं कि रूस ने जानबूझकर अपनी सेना की पोस्ट को तबाह करवाया है ताकि रूस को एक मौका मिल सके और वह यूक्रेन पर धावा बोल सके। बाकी दोस्तों, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है, और क्या रूस सच बोल रहा है या फिर अमेरिका ने जो बयान दिया है वो सच है? कमेंट बॉक्स में इस पर राय बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।